हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पबोजी टिकनो। तो सो गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो A3 फ़ोन 5G फ़ोन के बारे में। और देन दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करेंगे कीपैड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। देन दोस्तों, आपके फ़ोन का कीबोर्ड जो होता है वह वर्क नहीं कर पाता या प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में बताएंगे आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड की कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देन हम अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ एडिशनल सेटिंग ऑप्शन शो होता है, टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद हमें यहाँ कुछ ऑप्शन शो होते हैं, तो यहाँ हमें ऑप्शन शो हो रहा होगा कीबोर्ड, इसको टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, जैसे कि हमारा कीबोर्ड में यहाँ से प्रॉब्लम है, देन यहाँ से ठीक नहीं हो रहा, तो बैक करेंगे। देन बैक करने के बाद फिर से सेटिंग में जाएंगे। देन यहाँ से चले जाएंगे हम ऐप्स वाले ऑप्शन पर। देन उसके बाद चले जाएंगे, पहला ऑप्शन होता है ऐप्स मैनेजमेंट, टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद आपको यहाँ जीबोर्ड सर्च कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर ले रहा हूँ। जैसे कि हमने जीबोर्ड सर्च किया, ऑप्शन आ गया, इसको टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद आपको यहाँ कुछ ऑप्शन शो होते हैं, तो यहाँ हमें पहला ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट नोटिफिकेशन एंड परमिशन। तो हमें यहाँ पर स्टोरेज यूजेस वाले ऑप्शन को टैप करके इससे क्लीन चेक कर देना है, जैसे कि मैं इससे क्लीन डाटा एंड क्लीन चेक कर दूंगा। देन उसके बाद आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपके जो कीबोर्ड प्रॉब्लम थी वह 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड की कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वीडियो बेटर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।